देख, बिना सवाल के कभी जवाब नहीं बनता है। उसी तरह बिना सलूशन के भगवान भी कोई प्रॉब्लम नहीं देता है। क्या हुआ यार? मेरे लिए ना सही, कम से कम मोक्षा के लिए तो इस डील को क्रैक करना ही होगा। तेरा तो सही है यार। वो अपनी जिंदगी में पूरी तरह से मुझ पर डिपेंड है। सुन ना, कोई आइडिया देना यार। तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? राहुल ने कहा ना कि वो सब संभालेगा। राहुल ने जो कहा वो बिल्कुल करेक्ट है। बिना सोल्यूशन कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं। सही कहा, बिना सोल्यूशन का भगवान ने कोई भी प्रॉब्लम नहीं बनाया है। बिना सोल्यूशन का कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं। हे, ये देखो। ये कार्ड कैसा है? मेरा प्रमोशन है। वाओ, ग्रेट! इतनी बड़ी रेप्यूटेड कंपनी से स्पॉन्सरशिप क्रैक किया है। यू आर रियली ग्रेट मैन, रियली इंप्रेसिव। थैंक यू सर। और हाँ, प्रमोशन के साथ तुम्हें 2 महीने का बोनस भी दिया जाएगा। ओह माय गॉड, चीयर्स मैन, चीयर्स। ओह वाओ सर, प्लीज वेलकम सर, हम आपका इंतजार कर रहे थे। अच्छा, तुम रात में कॉल करके कह रहे थे तुमने कोई डील क्रैक की है। क्या उन लोगों ने कुछ एडवांस दिया? सर, हमारे ऑफिस में से किसी ने उस चेक को कलेक्ट किया है सर। हाँ सर, एक्चुअली मैंने उस डील को क्रैक किया है। तुझे थोड़ी भी शर्म है इडियट? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है तू? दूसरों का क्रेडिट चुराने में तुझे शर्म नहीं आती है? झूठ मत बोल कि तूने डील क्रैक की है। सर, आप सच को जाने बिना ऐसा मत कहिए। हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट? सुनिए सर, एक बार बात सुन लीजिए। यू आर एन इंसल्ट टू दिस कंपनी। वो सारी फाइल ट्रांसफर करके यहां से निकल जा तू। यू आर फायर्ड। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। यू आर फायर्ड मैन, गो अवे। नहीं, वो सिद्धू। यही ताकत कभी बेड पर दिखा देते हाँ? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम्हें बताओ मेरा इस दुनिया में कौन है? मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, बस ऐसा दोबारा मत करना। हाँ, माफी तो मैं मांगूंगी नहीं। तुम चाह कर भी मुझे कभी खुश नहीं कर पाए हो। तुम्हें इस बारे में कैसे बताऊं? इसलिए आज हम तुम्हें ये दिखाने का प्लान किए थे। अब सवाल जवाब से कोई मतलब नहीं है। हम दोनों ने प्लान करके तेरे उस डील को चुरा लिया। तूने अपनी जिंदगी में सभी को धोखा दिया है। अब तूने अपने जॉब के साथ मुझे भी खो दिया। यू आर अ डैम लूजर। तेरे जैसे लोग इस धरती पर बोझ हैं। ऐसे जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं। मेरे भाई, किसी एक को जीतने के लिए किसी एक को हारना तो पड़ेगा ना। अब मैं उसे जानती हूँ यार, अब चलो। सॉरी मेरे भाई। तुम कौन हो इसे कभी किसी के सामने रिवील मत करो। भूल जाओ अपनों को और उन्हें भी माफ कर दो जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया।